पुणे में ही तो सीन है भाई। यहाँ पे 2 मिनट यहाँ लगाई थी मैंने कहा जहाँ चाय पीता हूँ साइड में, मैं कहा नजदीक ही रहेगी, 1 किलोमीटर रह गया था सारे। अरे देखो यहाँ पे आ गया एक बंदा, बोलो पार्किंग है, पार्किंग 100 रुपए की। आएंगे एंट्री गेट पे, ये देखो पार्क कितना बढ़िया बनाया हुआ है। कनेक्टर तो मेरे पास कोई भी नहीं है। कनेक्टर मिल जाएगा किराए पे? कहाँ? तीन बज के 4 मिनट नेक्स्ट डे अभी हम खड़े हुए हैं। ठीक है तो फाइनली भाई सुबह हो चुकी है, 3 बज के 4 मिनट हो गए। 12 बजे सोए थे, 3 बजे फिर से उठ गए। बारिश हुई ना भाई अभी देखो, पूरी रात बारिश हो गई, नीचे देखो चिक्कड़ चिक्कड़ हो गया भाई, पूरे में चिक्कड़ चिक्कड़ हो गया। वे हम भाई तेल पाने के लिए पेट्रोल पंप पे, बाकी गाड़ी को रहना देते स्टार्ट ही, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी और ठीक है। तो अभी रुके हम, आई लव बीपी सिन्नर, भारत पेट्रोलियम सिन्नर, यहाँ पे रुके हुए अभी हम। और ये है भाई यहाँ पे तेल पड़वा रहे, वो पीछे जाके उस्ताद जी उसके भी बहुत बड़ा है भाई पेट्रोल पंप। तो मैं कर लेता हूँ भाई शीशे साफ, क्योंकि मैंने जब सुबह चला था मैं शीशे साफ नहीं किए, और जो अभी बारिश हुई है उसके छिट्टे भाई पड़े हुए बड़े खतरनाक से। ठीक है और आज हमारा व्लॉग हो रहा है भाई यहीं से स्टार्ट। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं भाई ड्रीम ट्रक व्लॉग्स। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई सुबह के बज रहे हैं भाई 4, ठीक है, और हमने अपनी जर्नी कर दी है स्टार्ट। और बाकी देखो सुबह आपने देखा ही भाई, हमने 3 बजे उठ गए थे हम, 12 बजे सोए थे देखो रात को भी, और सुबह 3 बजे उठ गए। तो भाई इतनी कर नींद मिलती है भाई सोने के लिए, तो ड्राइविंग लाइन में 3-1 घंटे की नींद या फिर 1 घंटे की नींद, 2 घंटे की नींद, बस इन्हीं से ही गुजारा चलाना पड़ता है। बाकी अभी कर देता हूँ शीशे साहब और आपसे मिलेंगे यार सुबह ही, जब एक बारी सुबह हो जाएगी। अभी तो यहाँ पे रुके हुए हम सिन्नर में तेल भरवाने के लिए संगम नेर से पीछे साहब, क्योंकि दिख नहीं रहा है कुछ आगे ढंग से, क्योंकि रात को बारिश ही बहुत हुई भाई, बहुत भारी। और भाई पीछे तो रोड भी गिला था, बाकी यहाँ तो भाई सूखा हो गया एकदम से। तो मैं कर लेता हूँ शीश साहब, बाकी मिलते हैं आपको सुबह के टाइम, जब भी यहाँ सुबह हो जाएगी 6-1 बजे, और 7-1 बजे तक तो हम वैसे भी पहुँच ही जाएंगे। 7 बजे तक तो हमारा टारगेट है भाई पहुँचने का, और कंपनी में जाके सो जाएंगे। और हमारा अभी चलने का क्या सीन था ना, कि जैसे अभी रोड पे रश भी नहीं रहेगा, और चाकण के पास भाई बहुत रश रहता है, अगर सुबह 7 बजे से पहले पहुँच जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है सो करते हैं शीशों को साफ और निकलते हैं भाई यहाँ से। तो फाइनली भाई सुबह हो चुकी है, तो गुड मॉर्निंग है यार आप सभी को। तो अभी उतर रहा हूँ मैं भाई खेड़ घाट, और यहाँ से घाट हो गया शुरू। आती बारी भी बनाई थी मैंने इसकी वीडियो, तो ये पोर्शन पार कर लेते हैं। यहाँ से पुणे रह गया 50 और चाकन है यहाँ से 30 किलोमीटर, तो पहुँचते फटाफट से यार मंजिल पे। बाकी सुबह हो चुकी है और मैंने मुड़ना है चाकन से राइट तलेगांव की साइड को, और किन्होंने जाना है चाकन से लेफ्ट शिकरापुर की साइड को, क्योंकि इनके पास लोनी कटका है और मेरे पास है तलेगांव की साइड का। तो ये है भाई कुछ नज़ारा सुबह सुबह का, देखो पुणे यहाँ से 50 किलोमीटर का बोर्ड है, काफ़ी उतराई है भाई, काफ़ी उतराई है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है भाई सुबह का। तो जय हो सूर्यदेव। सुबह के 7:45 पे इतना रश है रोड पे, देख लो आप, रेड लाइट हुई भी कोई नहीं रुक रहा है, कोई रुकने वाला भाई, रेड लाइट हुई भी है ना, देखी माड़े हाल है भाई, माड़े हाल है कसम से।
इतनी बड़ी रेड लाइट नहीं दिखती लोगों को। सवेरे सवेरे हो गया भाई रश, और जे तो यहाँ से एक जे घंटे बाद, एक डेढ़ घंटे बाद आए ना आप लोग, तो फिर मैं बोलूँ कि यहाँ से तो टपना ही मुश्किल है भाई। ये चीज़ चाकण तक, चाकण रह गया यहाँ से 1 किलोमीटर, तलेगांव से, तलेगांव की साइड मुड़ना हमने यहाँ से राइट, मतलब यहाँ से तो नहीं, अगले चौक से इससे, ठीक है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ना, रश ही गजब हो गया है रोड में। ओके, करना फोन जब खाली होएगी। ठीक है ठीक है। तो काका साई वगैरह भी मुड़ गए शिकरापुर के लिए, लोनी कंधोनी उनकी खाली गाड़ी, और मैं भी मुड़ गया भाई राइट, जो अपना तलेगांव के लिए जाता है। ये भाई कुछ रोड तलेगांव वाला। और भाई सुबह सुबह ही कसम से इतना ट्रैफिक हो गया ना रास्ते में, थोड़ी सी और लेट आते ना तो मेरे को तो इस चौक तक पहुंचने में मुश्किल हो गई थी। पुणे में ही तो सीन है भाई, यहाँ पे 2 मिनट यहाँ लगाई थी मैंने, कहा जहाँ चाय पीता हूँ साइड में, मैं कहा नज़दीक ही रहेगी, 1 किलोमीटर रह गया था सारे। अरे देखो यहाँ पे आ गया एक बंदा, बोलो पार्किंग है, पार्किंग 100 रुपए की, ऐसे ऐसे लगा बोलने, अब गाड़ी हटानी पड़नी यहाँ से। यही तो सीन है भाई यहाँ पुणे में, पुणे वाले लोगों आप लोग कुछ करते क्यों नहीं, हर कहीं आ जाते हैं पर्ची लेके कि यहाँ पार्किंग, और बाहर की गड्डी देख के एमएच नंबर खड़ी हुई आगे इतनी देर से, इसको तो बोल नहीं रहा कुछ। पागल ही है लोग यार कसम से, अब निकालनी पड़नी यहाँ से, आगे कहीं चाय पीने के लिए भी नहीं मिलने, और भूख थी ना ऐसी लगी हुई। हाँ तेरे को भी रोटी नसीब नहीं होगी कभी, देखो ना चाय पीने के लिए लगाई थी मैंने, मैं कहा चाय पीता हूँ यहाँ पे। पार्किंग है, काहे की पार्किंग है यार, पूरे इंडस्ट्री एरिया में काहे की पार्किंग है बताओ जरा, पागल जो लोग सवेरे सवेरे दिमाग खराब करने आ गए। तो फाइनली भाई पहुँचने वाले हैं कंपनी, यहाँ से दिखा रहा है सिर्फ 900 मीटर यहाँ इस पर जाना अंदर। पहले भी आया हूँ मैं इस कंपनी में, पर मेरे को लगा नहीं था कि यही होएगी फिर से बाजार चौक से राइट मुड़ के अंदर को। तो ये तो भाई काफ़ी अच्छी फैक्ट्री है, काफ़ी साफ़ सुथरी और काफ़ी बढ़िया है फैक्ट्री। तो चलते इस फैक्ट्री में अंदर, यहाँ करवाएंगे एंट्री गेट पे। ये देखो पार्क कितना बढ़िया बनाया हुआ है, फाइनली एंटर करके भाई हम कहाँ कनाडा में वही मिलेगी इतनी साफ सफाई तो दिख रही है इतनी साफ सफाई भाई, ऐसे बढ़िया है ना भाई। यहाँ पे पहले भी आया हूँ मैं एक बारी, ठीक है, और देखो कितने अच्छे हैं यहाँ पे, बढ़िया भाई, माँ के साथ मज़ा आ गया इसी फैक्ट्री में आ गए। फाइनली मैं लगा रहा हूँ गाड़ी अनलोडिंग के लिए, पर मैं आपको बाहर का नहीं दिखा पाऊँगा कुछ नहीं, पता क्यों, क्योंकि मैं जैसे ही कैमरा लेके गया ना, इन्होंने वैसे ही मना कर दिया कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते यहाँ पे, तो सॉरी है आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाऊँगा। बाकी देखेंगे अभी टाटा की जो फैक्ट्री रहती है ना बड़ी, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है टाटा की गाड़ियाँ, वहाँ पे भी जाना है, क्या पता वहाँ पे अलाउड हो या नहीं भी हो, जैसा भी रहेगा। तो मैं लगा लेता हूँ गाड़ी, तो खाली करने के बाद मिलते हैं आपको। तो फाइनली 10 नंबर डॉक पे लगाई थी गाड़ी, अपनी गाड़ी खाली होगी, देखो अभी रह गए ये बैरल से, और ये बैरल होने हैं खाली टाटा कंपनी में, जो यहाँ पे टाटा की गाड़ियाँ बनती है, ठीक है। सो फटाफट से भी डाला वगैरह लगाता हूँ भाई, खाना भी नहीं खाया हुआ और वीडियो अपलोड भी नहीं की हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भैंस बसाई में काफ़ी टाइम लग गया। मैं बताता हूँ भैंस किस बात की हो रही थी भाई, पहले एक बार ये कर लेता हूँ जाला वगैरह, और फिर आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ। यहाँ आ गया मैं, अपना जो रास्ता तिरपाल था मैंने कर दिया, हाथ मुँह भी धो दिया, और सीन पता क्या हुआ, क्या के लिए हुई भैंस, जो ये देखो बैरल्स है ना रखी हुई, इसके ऊपर भी इनका सामान था, मतलब जो बॉश के ड्रम वो थे ना पैकेट से, वो उसके ऊपर भी थे रखे, तो उसके लिए बोले कि 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, तो और पहले तो 700 रुपये बोले, फिर बाद में 500 रुपये बोला इन्होंने कि एक्स्ट्रा लगेंगे, और उसकी पर्ची नहीं मिलेगी, क्योंकि 1800 रुपये जो यहाँ पर डाला लगता है उसकी तो चलो पर्ची मिलती है, ठीक है ना, वो तो वापस मिल जाएगा, लेकिन 500 रुपये के बोल रहे थे कि वो भाई वो नहीं मिलेगी और हम एक्स्ट्रा लेंगे वो। और भाई बोल रहे थे कि इतनी हाइट में चढ़ना पड़ेगा फिर उतारना पड़ेगा, बैरल के ऊपर दो दो पैकेट रखे भाई, वो उसके लिए वैसे कर दे,
परेशानियां ही परेशानियां भाई, कहां कहां पैसे बांटते रहेंगे। उसके लिए भी रुका दिया, और टाटा कंपनी में मैंने फ़ोन किया था, एक भैया का नंबर मिला था मुझे, तो वहां के लिए उन्होंने लोकेशन दे रहे हैं मुझे, शायद आ भी गई होगी, मैंने चेक नहीं किया अभी, तो अभी चलेंगे फटाफट से। और आज शायद वीडियो ना डाल पाऊँ भाई, क्योंकि या मैं अभी देखता हूँ, अगर एडिटिंग अभी हो जाए, अगर तो रिसीविंग दे दी तब तो मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से फटाफट से, क्योंकि कल होगी है छुट्टी। कल ऐसा सीन हो गया भाई, कल है छुट्टी, और ये अभी मेरे खाली नहीं कर पाया ना टाटा कंपनी में, तो मुझे कल का दिन भी वहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, और आपको पता ही भाई कितने दिन हो जाएंगे ऐसे करते करते। सो आज शायद वीडियो ना आ पाए भाई आप लोगों के लिए, तो उसके लिए माफ़ी पहले से मांग लेता हूँ, अगर डाल दी मैंने जैसे कैसे सो वो भी आपको लग ही जाएगा पता, ठीक है। कनेक्टर तो मेरे पास कोई भी नहीं है, कनेक्टर तो मेरे का कोई है नहीं मेरे साथ। कनेक्टर मिल जाएगा किराए पे? कहाँ? वहीं पे ही। अच्छा जी, अच्छा जी, 2 घंटे का काम है मेरा, बोलना ठीक है। ठीक, हमारे साथ तो पंगे पंगे भाई कसम से। अभी मेरे को पहुंच मिली, अभी इसमें 3 बॉक्स लीकेज लिखा, तो लीकेज का तो चलो कंपनी का होता है जो भी होता है। अब वहाँ से वो कर रहा है फ़ोन कंपनी वाला कि 3 पैकेज जो लीकेज लिखा है वो ले आओ, बोलो हमारे को अब यहाँ के लिए अब वापस ले जाने पड़ेंगे पंचकुला के लिए। अब और ये बोल रहा है, एक तो पहले ये चिड़चिड़ा जा बंदा है यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए मैंने 22 और 20 फुटी में बोला कि मेरी 20 फुटी है, उसने बोला नहीं 22 है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, मैं कहा तो नाप ले आके, तब चिड़ गया। फिर पहुँच के लिए भी इतना टाइम लगा दिया इसने, अभी फिर बॉक्स के लिए बोला, बोल रहा है कि 2 घंटे लगेंगे जी। क्या यार, पूरे दिन हो गया, रोटी तक नहीं खाई, सुबह रहे पाव वाले भैया आए थे वो भी नहीं आया दिन को खाना लेके, और अभी बिस्कुट खा के करना पड़ रहा है गुजारा, क्या करना भाई, ऐसी लाइफ है। और वीडियो भी कर रहा हूँ भाई एडिट, फ़ोन पे फ़ोन भी करने पड़ रहे हैं और ऐसे परे, क्योंकि टाटा वाले फ़ोन कर रहा हो भाई परे से कि भाई ये नहीं होएगी कल खाली और तू अभी आ जा, फिर क्या बोलूँ भाई, किस किस को समझाया कि कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, अरे ऊपर से रोटी नहीं खाई, दिमाग ख़राब करा हुआ इन्होंने यहाँ पे कंपनी वालों ने। तो भाई मैं तो निकल आया कंपनी से, मेरे को बोला था कि 15 मिनट में देंगे वापस, तो ठीक है नहीं तो निकल आना, तो मैं तो आ गया था वहाँ से। अब पकड़ते विन्नी भाई को, तो विन्नी भाई ये मिल गए हमारे को, अब उस्ताजी को हमने ट्रांसपोर्ट बता दिए, जाएंगे यहाँ से वापस। आ जाओ विन्नी भाई, 4:30 हो गए, 5 बजे तो बंद हो जानी। चलो चलो मामा, तो विन्नी भाई आ चुके हैं और इस रेस में। अरे अरे नवापुर तो हो गया था बोलो अभी, लेट हो गए भाई, हम अब मिलेंगे आप लोगों को सीधे ही टाटा की फैक्ट्री में, जो हुई खाली हुई, नहीं हुई तो जय माता दी, क्या बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारी भाई टाटा कंपनी में खाली हुई या नहीं हुई उसके लिए तो देखना पड़ेगा आपको पार्ट 2, तो कल आ जाएगा पार्ट 2। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना भाई और बेल आइकन को दबा लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।